खबर रीवा से है, जहां समाज में कैसे ऐसे बच्चे हैं जिनके सिर से माता पिता दोनों का ही साया कम उम्र में ही छिन जाता है। ऐसे बच्चों के परिवार इसमें तमाम कठिनाइयां सामने आती हैं। ऐसे बच्चों की चिंता करते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना तैयार की है। इस योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों को शासन द्वारा प्रतिमाह 4,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 18 साल की कम उम्र पार करने वाले उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा जो बाल देखरेख संस्थाओं से निकलकर आफ्टर केयर जाएंगे। गौरतलब है कि बाल देखरेख संस्थाओं में 18 साल तक की उम्र के ही बच्चों को रखा जाता है। इसके बाद इन्हें आफ्टर केयर संस्थाओं में शिफ्ट करते हैं। इन्हें भी आर्थिक एवं शैक्षिक सहयोग देकर समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए प्रतिमा राशि दी जाएगी। देखिए, इसके अंतर्गत जो बच्चे पहले से हमारे कुछ बच्चे पंजीकृत थे महिला और बाल विकास विभाग के पोर्टल पर, इसके बाद जब कोरोना की आपदा आई उसके समय कुछ बच्चों का ऐसा महसूस हुआ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता दोनों ही, या फिर माता या पिता, या जिनके आश्रित तो बच्चे थे उनका नहीं रहने के कारण उन बच्चों का लालन पालन पालन पोषण वगैरह काफ़ी कठिन हो गया। उस समय इन बच्चों को महिला बाल विकास विभाग के पोर्टल पर हम लोगों ने पंजीकृत किया था और ये एक शासन की ही योजना है जिसके अंतर्गत ये किया जाना था, उसके अंतर्गत उनका पंजीकरण किया गया था। फिर उसके बाद गवर्नमेंट का ये निर्देश था कि एक फंड बनाया जाए, तो रीवा के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक फंड का निर्माण किया। तो सरकार की तरफ से 2,000 रुपये की राशि उन बच्चों की पढ़ाई और सहायता के लिए आती है। उसके अतिरिक्त 2,000 रुपये की राशि जो यहाँ का स्थानीय विभिन्न मदों से हम लोग एक फंड इकट्ठा कर पाए थे उसके माध्यम से बच्चों को भुगतान किया जाता है। ऐसे हमारे लगभग 36 से 38 बच्चे कुछ पंजीकृत हैं जो कि महिला बाल विकास विभाग के पोर्टल पर हैं और उन्हें शासकीय और ये व्यक्तिगत जो रीवा के लोगों के द्वारा किया गया सहयोग है उसके माध्यम से राशि दी जाती है जो कि उनके पढ़ाई आदि में सहायक सिद्ध होती है।